अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गारिस किचन। आज मैं चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने उस दिन जो मैंने फिलिंग बनाई थी चिकन शिमला मिर्च गाजर की, इसके हम रोल बनाएंगे। तो मैंने दो बॉल भर के ये ऐसे वाली दो प्याली ली है, और उसके लिए मैंने 100 ग्राम गोभी को बारीक कट करके दिया है। 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, वाइट विनेगर। 1 टीस्पून भर के सोया सॉस, 1 टीस्पून भर के रेड चिली सॉस, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये 1 टेबल स्पून मैदा लेकर मैंने थोड़ा पानी डालकर इसका इस तरह से लय बना कर दिया है गाढ़ा गाढ़ा। अरे रोल पट्टी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बाउल में मैंने ये फिलिंग निकाल कर ली है, इसमें गोभी डालेंगे। इसको गोभी को पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फ्राई करेंगे तो उसमें अच्छे से गल जाएगी। अब काली मिर्च डालेंगे, नमक, 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है, और रेड चिली सॉस से और भी अच्छा टेस्ट आएगा, वो भी 1 टीस्पून डालेंगे। आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। स्प्रिंग रोल में ज़्यादा मसाले नहीं डलते। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आपकी अगर फिलिंग रेडी तो देखिए कितनी जल्दी तैयार हो जाता है ये। इसमें आप प्याज की सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, प्याज की भाजी। मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे मिली नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी रोल बनाना शुरू करेंगे। ये रोल की पट्टी ली मैंने, ये रेडीमेड लिया है मैंने, आप घर पे भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर फिलिंग डालेंगे, आपको जितनी चाहिए आप डालो। ये देखिए मैंने 1.5 टीस्पून डाला है इसमें, और इसको पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये फिलिंग को अंदर दबाएंगे चारों तरफ से। इसको डबल फोल्ड करेंगे और फिर ये साइड से उठाएंगे और ये साइड से उठाएंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे, और इधर जो जगह है उसमें ये मैदे की जो लई बनाए हैं वो लगाएंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये देखें, ये रोल बनके तैयार है। इसी तरह सारे बना कर लेंगे। हमारे सारे रोल बनके तैयार है, अब मैं इसको आपको फ्राई करके बताऊंगी। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग रोल डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और ज़्यादा टाइम तक ये क्रिस्पी रहे। इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे से गोल्डन होने देते हैं। ये देखिए हमारे रोल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम गोल्डन कलर, एकदम क्रिस्पी हो गए। आप तेल को इस तरह नितार कर निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन रोल बनके तैयार है, एकदम टेस्टी बने हैं। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना। आपको लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।